सरकार कानूनी तौर पर लेजिटिमेट तरीके से सरकार का जो अधिकार है पैसा लेने का, उस पैसे लेने को टैक्सेशन के रूप में प्रयास करती है। और कई उद्योग हैं, अब रियल एस्टेट में भी आज जैसे जब से कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ है, बड़े शहरों में बड़ी कंपनियां हैं जहां जो एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रही हैं। एक समय हम फिल्म इंडस्ट्री का सुनते थे, एक प्रकार से पिछले कुछ सालों में लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस की तरफ पूरी की पूरी कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद वो उद्योग गया है। और इसलिए एक एक अगर उद्योग उस दिशा में जाता है तो कोई भी राजनीतिक दल केवल अपने हित को सोचने के लिए, और मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से कांग्रेस के हमारे मित्र, कि क्या आपका जो आकलन था एग्जैजरेटेड था। हर व्यवस्था के बारे में कह दिया कि वो व्यापार 70% लूट गया, वो 80% लूट गया। हमें नवंबर के दिसंबर के जब रेवेन्यू के आंकड़े आए तो वो तो सामने नजर नहीं आ रहा था। एनिकडोटल एविडेंस कैन बी एनिकडोटल एंड अनरियल, बट रेवेन्यू टारगेट्स आर रियल। जो एक्साइज का पैसा भरता है मैन्युफैक्चर पे, जो खरीदारी के बाद वैट का पैसा भरता है, वो तो रियल होता है। जो कहानी और किस्सों के आधार पे होता है वो तो कई बार बनावटी भी होता है। अब अभी अनिल जी कह रहे थे कि रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन, रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन में स्वाभाविक रूप से फर्क आएगा, क्योंकि वो एक ऐसा उद्योग था जिसमें कैश कंपोनेंट बहुत ज्यादा था। लेकिन जब हमने आंकड़े देखे दो राज्य छोड़ के, नवंबर के महीने में तो फिर भी पुरानी करेंसी अलाउड थी अपवाद के तौर पे, दिसंबर में तो अलाउड नहीं थी। दो बड़े राज्यों को छोड़ के हर बड़े राज्य का दिसंबर का वैट कलेक्शन बढ़ा। ये तो कंप्यूटराइज डेटा है। अब आपको लगा कि जीडीपी 2% गिर जाएगी अचानक और ज्यादा चली जाएगी, कुछ ने तो कह दिया नेगेटिव में चली जाएगी, एक ने कह दिया 3% के करीब आ जाएगी। मैंने एक एनालिस्ट के कमेंट सुने, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित तिमाही थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, उसके आंकड़ों में भी ऐसा कोई सुझाव नहीं आया। तो पहली बार इस देश में एक तर्क, जो पार्टी ने 50 साल जिस देश पे हुकूमत की हो, कि इस देश की सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के फिगर्स डाउटफुल हैं, यह तर्क एक नया पैदा कर दिया। देखिए ये बात ठीक है, कुछ प्रश्न उठाए गए, शंकाएं थी, आंकलन की बात है, एक आपका दृष्टिकोण है, पर वास्तविकता ये है कि जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, बैंकों में पैसा जमा हुआ, उस पर टैक्स भी आया है, एक वास्तविकता है, उसको हम नहीं उस पर बहस करते। पर यह भी एक वास्तविकता है कि आपने पुराने नोट की पेमेंट यूटिलिटीज़ में, रेलवेज़ में, पेट्रोल पंप्स पे, बिजली के बिल के भुगतान के लिए आपने उसकी अनुमति दी, तो उसलिए वो बढ़ा है। और ये भी बात ठीक है कि देखिए ये प्रोविजनल है आपका जीडीपी का नंबर, मैं इसमें ये बहस का विषय नहीं है, हम आंकड़ों पे जीडीपी फिगर्स पे डाउट नहीं करते। एक सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत की ऐसी है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, विश्वसनीयता है, उस पर हम प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहते। पर सवाल, उन्होंने स्वयं ये बात को कहा है कि अभी तक इनफॉर्मल सेक्टर का, इनफॉर्मल इकोनॉमी का, असंगठित क्षेत्र पे, टीसी आनंद का ये बयान है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वो जून महीने तक हमको उसकी जानकारी मिलेगी, उसके बाद हम अंतिम आंकड़े देंगे, तो उसका इंतजार कर लें। ये कहें कि कोई प्रभाव नहीं हुआ, ये उचित नहीं है। ओके 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 ओके। देश में जो पैसा अनोनिमिटी के साथ, गुमनामी के साथ, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी टैक्स पेमेंट के समाज में घूमता था, आज बैंकों में पहुंच गया, उस पैसे की ओनरशिप तय हो गई। उसमें जिन लोगों का डिपॉजिट और उनका इनकम प्रोफाइल मेल नहीं खाता, आज उनकी जवाबदारी हो गई, वो टैक्स नेट के अंदर आने लग पड़ा। और मैंने इस बार बजट के अपने भाषण में
आंकड़े दिए थे कि इतना बड़ा हम देश चला रहे हैं, हम अपनी इस परिस्थिति जो मैंने जब कहा नॉन कंप्लायंट, आज इस देश में उसका एक उदाहरण ले लीजिए, 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं है, फिर 2,500 रुपया टैक्स की छूट है, तो आज 5% हो गया, यानी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उससे ज्यादा थोड़ा डिडक्शंस मिल जाती हैं, तो 5 लाख तक जिसकी इनकम है वो न या बहुत थोड़े टैक्स में, पर वही 5% दर है, वो टैक्स देकर अपना काम कर लेता है नेग्लिजिबल टैक्स पे। 5 लाख से ऊपर लोगों का हमने हिसाब लगाया तो 125 करोड़ देख के देश में 76 लाख लोग केवल टैक्स देते हैं। उस 76 लाख में से 61 लाख वो हैं जो वेतन भोगी हैं। तो आप पूरा 16-17 लाख से डील कर रहे हो जिसमें सब वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये सारी जो दुनिया है। अब इस नेट को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, और 18 लाख लोग इसमें वो हैं जिसमें 2-4-5 लाख जिन्होंने डिपॉजिट नहीं कराया, जिससे ज्यादा डिपॉजिट कराया, और उनके आमदनी का जो प्रोफाइल है उसके साथ मेल नहीं खाता। तो इसलिए इस व्यवस्था को चलने दे, कैश के बहुत वर्च्यूज हैं, इसको हम स्वीकार कर लें कि एक बहुत बड़ा झटका जो ये शैडो इकोनॉमी थी उसको लगा है, और आने वाले कल में इस पूरे डिजिटाइजेशन के अभियान से फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। ये आपने ठीक कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं जहां कुछ समय तकलीफ आएगी, लेकिन वो इनफॉर्मल इकोनॉमी धीरे धीरे फॉर्मल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होगी। और आपने ठीक कहा, इसमें 3 प्रकार की कार्रवाई है जो सरकार कर रही है। पहली कार्रवाई है जहां ये पैसा जेनरेट होता है उस पर रोक लगाइए। जीएसटी के संबंध में मैं जब अभी डिटेल विस्तृत रूप से बताऊंगा, वो एक उस पर रोक लगने का एक गुंजाइश उसमें बढ़ती है। आप अपने रेट्स को रीजनेबल करिए, हमने जो इसीलिए एंट्री पॉइंट रेट है टैक्सेशन का उसको 5% कर दिया, यानी 5 लाख तक। आप अपनी व्यवस्था को असेसी फ्रेंडली बनाइए, और जो लार्ज एक्सपेंडिचर के क्षेत्र हैं जहां पर इस पैसे का प्रयोग होता है, वहां पर अगर सख्ती कर सकते हैं, नए नियम बना सकते हैं तो वो बनाइए। मैंने फाइनेंस बिल में ये सजेस्ट किया था कि 3 लाख से ज़्यादा का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन कैश दोबारा रीजनरेट हो उसको डिस्करेज करने के लिए उसको 2 लाख किया है, संशोधन जो लोकसभा ने कल पारित किया है। आज इस सारे से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का, डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, और धीरे धीरे जो ये पूरा पैसा अब व्यवस्थित रूप से आएगा और फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, राज्यों का भी और केंद्र का भी, इससे राजस्व बढ़े इसकी संभावना बढ़ेगी। और ये केवल एकमात्र स्टेप नहीं है, ये एकमात्र कदम नहीं है। पहले दिन से SIT, जब से सुप्रीम कोर्ट की हम लोगों ने स्वीकार की, हम लोगों ने एक कदम उठाया फॉरेन बैंक अकाउंट्स के संबंध में, ब्लैक मनी का कानून पास किया, लोगों को एक अवसर दिया कि विदेश में कुछ है तो उसको डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। उसके बाद जितनी भी डिटेल्स आई हुई थी आज तक फॉरेन बैंक अकाउंट्स की, उनकी असेसमेंट्स कंप्लीट करना, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डालना जिन केसेस में संभव था, एविडेंस थी, जो केसेस उन लोगों के थे जो रेजिडेंट इंडियंस नहीं थे उनको कानून की प्रोटेक्शन मिलती थी, बेनामी कानून को लाना, उस पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ कोऑपरेशन करना, G20 देशों के साथ प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ब्रिस्बेन में शुरू कर दिया था, अमेरिका के साथ हमने
पटका इनिशिएटिव में हिस्सेदार हो गए कि कोई भारतीय नागरिक वहाँ और कोई उनका नागरिक हमारे यहाँ, और अंत में होगा कि जिन जो देश उस अरेंजमेंट के हिस्सेदार हैं, जो जो विदेशों में खर्चेगा या कोई एक्विजिशंस करेगा उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आएगी। स्विट्जरलैंड जो एक केंद्र माना जाता था, अब उन्होंने भी डिटेल्स देनी स्वीकार कर ली हैं। इसके अलावा यहां से काला धन बाहर चला जाए और घूमकर वापस आ जाए, इसके जो रास्ते थे मॉरिशियस का, साइप्रस का, सिंगापुर का, 1996 से कोशिश हो रही थी कि उन ट्रीटीज को रीनेगोशिएट करें। पिछला 2016 एक अच्छा ऐतिहासिक वर्ष रहा जिसमें तीनों देशों के साथ हम लोगों ने रीनेगोशिएट कर ली, और वो जो राउंड ट्रिपिंग का पूरा रास्ता था उसको रोका। लोग मानते थे कि वो रुक गया तो इनफ्लो फॉरेन कैपिटल का बंद हो जाएगा, रुपए डॉलर की पैरिटी पे असर पड़ेगा, बिल्कुल असर नहीं पड़ा। लेकिन एक जो रास्ता था हम लोगों ने रोका, एक लाए जो एक सक्सेसफुल स्कीम थी, और इस सारे प्रयासों से एकमात्र उद्देश्य यह था कि अगर हम ये उद्देश्य रखते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तीसरा साल लगातार साल बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमें वो स्थान प्राप्त हुआ है, हम डेवलपिंग देशों में आगे की पंक्ति में हैं, तो कम से कम एक हम टैक्स नॉन कंप्लायंट इकोनॉमी है जिसका टैक्सेशन बेस वो है जिसका मैंने अभी आंकड़ा आपको दिया, कि इस आंकड़े के आधार पर देश चले, इस व्यवस्था को परिवर्तित करना है। और मुझे खुशी है इस बात की कि राजनीतिक दृष्टि से भी इसका लाभ हुआ, लोगों ने इसका समर्थन किया क्योंकि कदम अच्छा था। मैंने बजट के भाषण में गांधी जी का एक वाक्य कोट किया था कि अ राइट कॉज नेवर फेल्स, गांधी जी ने यह कहा था, और ये सही मायने में उसका उदाहरण है। जहां तक बजट में टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं, ये इसी नीति के तहत कि ये टैक्सेशन बेस बढ़े, जो 5 लाख से नीचे वाली कैटेगरी है उसमें हमने नॉमिनल टैक्स कर दिया केवल 5%। और उसके पीछे मैं एक कारण तर्क भी बता दूं, टैक्स बेस बड़ा रहना चाहिए, टैक्स ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए, उस बेस को और छोटा कर दे उसका कोई लाभ नहीं है। 3 लाख तक तो लगभग टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा उसको, 3 से ऊपर अधिक से अधिक देना पड़ेगा तो 10,000 रुपया, अगर कोई डिडक्शंस क्लेम कर लेता है 4-4.5 लाख की डिडक्शंस भी उपलब्ध रहती हैं तो शायद उसको 1,000-2,000 रुपया देना पड़े। लेकिन रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए लोगों की इनकम और उसकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनता रहे, ये एक प्रयास उसके लिए हमने ये किया। देश की इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो, और इस फॉर्मलाइज इकोनॉमी में MSME का बहुत बड़ा रोल है, तो जितनी भी देश की कंपनीज हैं उसमें 96% वो हैं जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है। तो जो मैंने सरकार की एक कमिटमेंट थी, आपके समय जो डायरेक्ट टैक्स कोड बना था उसमें भी ये सुझाव था, सबके लिए था, लेकिन हमने जो 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनीज हैं उनका टैक्सेशन लेवल 25% कर दिया जाए ताकि इंसेंटिव रहे, वो फॉर्मल रहे। और जो लोग इंडिविजुअल नामों से काम करते हैं उनके ऊपर भी इसका लाभ उठाने का एक इंसेंटिव रहे कि अपने व्यापार को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहे। पिछले साल भी अफोर्डेबल हाउसिंग को हम लोगों ने काफ़ी राहत दी थी, इस बार भी दी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि कम कर दी, प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने की अवधि हम लोगों ने बढ़ा दी, जो सुपर एरिया के आधार पर अफोर्डेबल हाउसिंग फ्लैट को नापा जाता था उसको कारपेट एरिया के आधार पर कर दिया ताकि 2 बेडरूम का अच्छा अपार्टमेंट किसी भी शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग में आ जाए और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप दे दिया। और ये सारे टैक्सेशन इंसेंटिव्स हम लोगों ने जो दिए उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो कुछ सेक्टर्स में धीमापन आया है अपने आप के अंदर बढ़े,
जीएसटी के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत चर्चा विवाद कमेटी और इसके बाद हम लोगों ने सर्वसम्मति से जीएसटी को पास किया और मैं ये मानता हूँ कि ये सारे सदन की भी, पूरे देश की भी, केंद्र और राज्यों की मिलाकर इट्स ए जॉइंट इनिशिएटिव विच द होल कंट्री हैज टेकन। और जिस स्पिरिट के साथ ये पास हुआ, हम लोगों ने उसी स्पिरिट को इसको आगे बढ़ाया है। आज इनडायरेक्ट टैक्सेशन का अधिकार और उसकी प्रक्रिया तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास चला गया। जीएसटी काउंसिल इन दैट सेंस इज इंडियाज फर्स्ट फेडरल डिसीजन मेकिंग बॉडी। प्रधानमंत्री जी का यह आग्रह था मुझे कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय जो होते हैं वो 3/4 वोट से होते हैं, जिसमें 33% वोट केंद्र का है, 1/3 दो तिहाई राज्यों के हैं। पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम लोग उसको चलाएंगे तो उस आंकड़े को हासिल करना सरल था, लेकिन वो रास्ता सही नहीं था। इसलिए हमने एक भी मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल में वोट से निर्णय नहीं किया और सब निर्णय सर्वसम्मति से किए। और कारण यह है कि फेडरलिज्म राज्यों का हित का इंटरेस्ट है और सेंट्रल स्टेट रिलेशन डेलिकेट सब्जेक्ट है। और मैं सभी राज्यों की तारीफ करूंगा और इसमें तमिलनाडु एकमात्र राज्य था जो जीएसटी के विरोध में था, लेकिन जब देश ने स्वीकार कर लिया तो उनका भी पॉजिटिव और एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। कांग्रेस पार्टी के भी जो राज्य रहे, उत्तर प्रदेश में उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपके प्रतिनिधि आए, बिहार सरकार, इन सब सरकारों का एक सकारात्मक रवैया था कि हर समस्या की हल ढूंढनी है। हम लोग 12 मीटिंग कर चुके हैं, एक एक मीटिंग 8-8, 9-9 घंटे चलती है, 2-2, 3-3 दिन की होती है, और उसमें ऐसे निर्णय करने थे जो लगभग सहमति से कर पाना इतना सरल नहीं था, लेकिन हर निर्णय अंत में सहमति के साथ हुआ और एक भी स्थान पर हमें वोट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और उसमें ड्राफ्ट करेगी जिनमें से 4 केंद्रीय संसद को स्वीकार करने पड़ेंगे और 1 सभी विधानसभाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। पहला है सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी का, दूसरा है आईजीएसटी का, तीसरा है जो 5 वर्षों तक राज्यों को जो किसी को घाटा होता है तो उसको मुआवजा देने का, कॉम्पेंसेशन का, और जीएसटी में जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, इनकी स्टेट असेंबली है, वो शामिल है, लेकिन जो 4 अन्य यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंट्रल टेरिटरीज हैं, तो उनके लिए एक यूटी जीएसटी लॉ होगा। और राज्यों को जो स्टेट जीएसटी लॉ होगा, एसजीएसटी, जो सीजीएसटी लॉ का एक प्रकार से रेप्लिका है, हर राज्य को पारित करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो कानून संविधान संशोधन पारित किया था वो 16 सितंबर 2016 को नोटिफाई किया था, और उस कानून के तहत 1 साल की अवधि मिलती है ट्रांसफर की, स्विच ओवर की, और अगर हम स्विच ओवर नहीं कर पाते हैं तो संविधान संशोधन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है बढ़ाने की। तो इस साल 15 सितंबर के बाद टैक्सेशन इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की जो लीगल इंटाइटलमेंट है वो अपने आप में समाप्त हो जाती है। सो द ऑल्टरनेटिव सिस्टम हैज टू कम इनटू प्लेस बिफोर 15th of September, और एक इसलिए डेडलाइन भी थी, और इसी वजह से दिनों दिन बैठे, और जो ऑफिसर्स थे राज्यों के और केंद्र के, जिनकी एक लीगल कमेटी थी जो इसकी ड्राफ्टिंग बेसिक करती थी, वो कई कई दिन पूरी रात बैठती थी, और पांचों के पांचों कानून एक एक शब्द, एक एक फुल स्टॉप कॉमा, सर्वसम्मति से सभी राज्यों ने और केंद्र ने उसको स्वीकार किया और कई दिनों तक उस पर चर्चा हुई। और इसका दूसरा पॉजिटिव, इस दिशा की जो चर्चा थी, इट वॉज अ ग्रेट एक्सरसाइज इन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, कि एक भी इशू ऐसा नहीं था जिस पे कोई राज्य या केंद्र राजनीतिक लाइंस के ऊपर किसी ने अपनी लाइन ली हो।
कई बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे वो मेरे प्रपोजल का विरोध करते थे, कांग्रेस वाले समर्थन कर देते थे। कई बार दो कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर्स का आपस में अलग अलग व्यू होता था। तो कोई भी पार्टी लाइन के आधार पर वहां पर नहीं चला, फेडरल लाइंस और टैक्सेशन लाइंस के प्रिंसिपल पे उन्होंने चल के पांचों यूनानिमसली कानून बना दिए। वो हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे लोकसभा में और इसी सत्र में हमें पारित करने पड़ेंगे। और उन कानूनों के बाद 9 बायलॉज बनने हैं, 5 अप्रूव हो चुके हैं, 4 अप्रूव हो चुके हैं, 5 और हम 31 तारीख को शायद उसके ड्राफ्ट फाइनलाइज हो गया उसको कर लेंगे। और फिर जो समय मिलेगा अप्रैल मई का, जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स तय किए हैं और उसकी जो उसके जो रेट्स होंगे, वो रेट्स के लिए एक ग्रुप बैठेगा जिसका एक अरिथमेटिकल फॉर्मूला उन्होंने तय किया है। मुझे लगता है वो अचीव कर पाना संभव होगा, उसके उस क्राइटेरिया के बेसिस के आधार के ऊपर वो चलेंगे। इसका असर क्या होगा? अभी जीएसटी काउंसिल ने तय किया कि टेंटेटिवली हम 1 जुलाई से इसको लागू करेंगे। आज मैन्युफैक्चरिंग टैक्स एक्साइज ड्यूटी हम लोग लेते हैं केंद्र में, सर्विस टैक्स हम लोग लेते हैं, तो हर व्यक्ति का 2 असेसमेंट हम करते हैं। ये दोनों असेसिंग ऑफिसर्स के पास हो जाता है, वैट राज्य के पास जाता है, फिर एक परचेज टैक्स का के लिए कुछ राज्य जाते हैं, कोई जो इंटरस्टेट टैक्स होता है उसके संबंध में उसका असेसमेंट होता है, उसके बाद कहीं एंट्री होती है तो ऑक्टोरॉय में उसका असेसमेंट होता है, लग्जरी टैक्स का होता है। तो हर असेसी को 4 से लेकर 8 तक असेसिंग अथॉरिटीज के सामने हर साल जाना पड़ता है। आज उस असेसी को केवल 1 टैक्स लगेगा और 1 अथॉरिटी के साथ उसका इंटरफेस होगा, और जो टैक्स कलेक्शन होगा वो टैक्स अपने आप कंप्यूटर सिस्टम पे जिस राज्य और केंद्र के दौरान होगा उसका फॉर्मूला डिसाइडेड है, वो उसके हिसाब से उसका डिवीजन होता जाएगा हाथ के हाथ ही। उसके अतिरिक्त किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो पहले इनपुट टैक्सेस दिए जा चुके हैं, जो अगली स्टेज पे टैक्स दिया जाएगा उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आज हर स्टेट में टैक्स अलग होता है तो वो क्रेडिट नहीं मिलता, तो जो टैक्स ऑन टैक्स ऑलरेडी पेड है वो कंपोनेंट हट जाएगा। जो ये राज्यों के बाहर हम देखते हैं कि ट्रकों की कतार खड़ी रहती है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब एक एक्सपर्ट ग्रुप बना है कि ये जो टोल नाके हैं जिन पे गुड्स और सर्विसेज का फ्री मूवमेंट रुकता है, इनको किस प्रकार से हटाया जाएगा पूरे देश भर में, वो उसकी सिफारिश इन्हीं मिनिस्टर्स की एक कमेटी उसकी सिफारिश अपने आप से कर रही है। और ये एक हिस्टोरिक कदम है क्योंकि दोनों सदनों ने इसको यूनानिमसली पास किया और काउंसिल ने भी उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाकर उसको यूनानिमसली तय किया है। और इस वर्ष आज के बजट के साथ इसका लिंक ये है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हम अप्रूव कर रहे हैं शायद वो उस दिन तक चलेंगे जिस दिन तक जीएसटी नहीं आएगा, जब जीएसटी आएगा तो वो अपने आप में स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। कई ऐसे सेसेस हैं जो जीएसटी के अंदर अपने आप में सब्ज्यूम होंगे, कुछ 5 वर्ष के लिए क्योंकि कॉम्पेंसेशन है, जब कॉम्पेंसेशन का बिल आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कॉम्पेंसेशन कहां से पे किया जाएगा, उसकी उन्होंने प्रक्रिया जो लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है उसके टैक्स को 28% तक रखेंगे और उसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो उस कॉम्पेंसेशन फंड में 5 साल के लिए इस्तेमाल होगा और 5 साल के बाद टैक्स के अंदर सब्स्यूम होगा, एक प्रक्रिया जो काउंसिल ने तय की है। अध्यक्ष जी, इसके अलावा इस वर्ष आने वाले वर्ष में सरकारी खर्चे को लेकर कुछ टिप्पणी की गई। हम लोग जो रेवेन्यू टारगेट बजट एस्टीमेट में था उसको एक्सीड करेंगे, ऑलरेडी रिवाइज एस्टीमेट हमारा ज्यादा का है, आखिरी कुछ दिन इस वर्ष के बाकी हैं उसमें हम लोग जानकारी इसकी दे देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.96 लाख करोड़ इस साल का एक्सपेंडिचर है, हाईएस्ट है।
एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट 1.86 लाख करोड़ है, सोशल सेक्टर्स में 1.95 लाख करोड़ है, एजुकेशन और हेल्थ अकेले में 1.3 के करीब लाख करोड़ है। और ये अपने आप में, क्योंकि रेवेन्यू हर साल बढ़ता है, तो इसलिए जो सरकार की अफोर्डेबिलिटी उस रेवेन्यू में रहती है, फिस्कल डेफिसिट का जो इस साल का 3.5 का टारगेट था उसको मद्देनजर रखते हुए इसको बढ़ाया गया, अगले साल उसको 3.2 करने का हम लोगों ने एक टारगेट रखा है। एससी एसटी सब प्लान के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे, प्लानिंग प्लान और नॉन प्लान का मर्जर होने के बाद कोई भी उस फंड पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्मूला वही रहेगा जो एससी एससी एक्सपेंडिचर का था। इस बार एससी का एक्सपेंडिचर जो पूरा अलग अलग हेड्स में हमने किया है 34.9% उसको बढ़ाया है, एसटी को 32.9% बढ़ाया है, इसलिए उसको कम करने का कोई गुंजाइश नहीं है। एक तर्क बार बार जयराम जी ने भी दिया उसको कि इस पीरियड में इतनी जीडीपी थी, इस पीरियड में इतनी जीडीपी ग्रोथ थी। नाउ जीडीपी ग्रोथ डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, इट कैन डिपेंड ऑन डोमेस्टिक फैक्टर्स, इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओवरऑल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इफ यू लुक एट द प्री 91 स्टेज, आवर ग्रोथ रेट्स वर वेरी मार्जिनल, दे स्टार्टेड पिकिंग अप सिग्निफिकेंटली पोस्ट 91। 2003 to 2008 globally was a boom period, and in a boom period, when the world does well, everybody flies with the world. So the global tailwinds also give you a push. What do you do when the global situation becomes adverse and hostile? And last 3 years has been extremely challenging as far as the world is concerned, and in those 3 years to maintain 7.5% plus minus and be the fastest growing amongst the major economies of the world, that's the real challenge. When the going is good, everybody is at his best. It's only when the going is challenging that your real test is determined. Very good. Yes, I agree with you that when tailwinds are there, you do very well. But the fact is there were strong headwinds in 2008-9, but 10-11, 11-12 we still did well. So it's a continuum, there are ups and downs. So I expect that grace, that what good was done and achieved should also be acknowledged. That is also in the interest of the country, so that this impression does not go, which is created. Now we are not having elections, that what was achieved during bad times earlier should also go on record. Otherwise, this is not a question of debate between us and you. We compliment what is being achieved, but also have the grace to compliment what was achieved earlier. Okay. You see, if you recollect, in his very first speech from the Red Fort, the Prime Minister started by acknowledging what every government of the past had done. And therefore, my only suggestion, if not advice, to my friend Shri Alan Sharma would be that amongst various things your past governments had done, you took the right turn in 91, and therefore the Prime Minister who took it always be proud of his achievements and never be apologetic about it. Because the kind of place he should have found in your history for having taken that right turn is a place which you have at least denied to him, and we are always at pains to give it to him. Sir, there have been this year will go down significantly because we have advanced the date of the budget. And we hope that the budget is passed and we complete the financial exercise by the 1st of April, so that we are in a position
टू इवन गिव मनी टू द स्टेट सो दैट एवरीबडी इज इन अ पोजिशन टू स्टार्ट स्पेंडिंग फ्रॉम 1st April rather than wait for the monsoons to get over and start the expenditure in the later part of the year. As I said, the plan, non-plan expenditure distinction has been done away with. The railway budget has been merged. There is an outcome budget of last year. And I think this year will also be important that the indirect tax proposals will be only for part of the year because then the GST will take over. And hopefully this will impact on the budget making exercises in the future years. So there are one or two important points I wish to mention. One is with regard to the electoral reforms. What we have done in the budget is to just give the outline. Aur outline ye hai ki 70 varsh baad हम कोई ना कोई प्रक्रिया लाएं जिसमें पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन हो पाए. और इसमें हमने ये सुझाव रखा है कि चेक की जो पेमेंट हो, एक व्यवस्था हम लोगों ने 2002 में जब सरकार थी, और मैंने हमेशा स्वीकार किया है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी, मनमोहन सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, उसकी रिकमेंडेशंस भी थी, हमने उसको मिला था, और उस वक्त सरकार वाजपेयी जी की सरकार उस संशोधनों को लाई थी. थोड़ा फर्क पड़ा, बहुत फर्क नहीं पड़ा. उसके बाद जब मौजूदा राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री थे तो मैंने उनको एक प्रस्तावना दी थी उस तरफ से कि क्योंकि इसमें और सुधार करना है सो पास टू थ्रू ट्रस्ट जो हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट, मैंने एक पत्र उनको लिखा था तो उन्होंने उसको स्वीकार किया था कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में ये डिटेल्स ना आए. तो उस वक्त के बजट में उन्होंने फाइनेंस बिल में उसको स्वीकार किया था. थोड़ा उससे भी अंतर हुआ लेकिन आज भी ये फर्क नहीं पड़ा. इसलिए हमने ये चुनाव आयोग का सुझाव था कि कैश डोनेशंस को 2000 पे लाया जाए, हमने वो सुझाव को रखा है. दुनिया भर में डिजिटल फॉर्म में कलेक्शन होता है और वो उस तरह से जितना कलेक्शन होगा उस पर भी टैक्स की माफी रहेगी, ये प्रावधान है. और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम बनेगी और मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल उस स्कीम बनाने के लिए जो जो उनके सुझाव हैं हम लोगों को दें ताकि इसको किस तरीके से बिल्कुल क्लीन किया जा सके. अब एक बहुत स्वाभाविक कठिनाई है एंड इज अ लेजिटिमेट डिफिकल्टी. पीपल हैव बीन वॉन्टिंग टू गिव बाय चेक but they cite two practical reasons why they don't want to do it. Our names get disclosed, the opponents will target us, and tomorrow when we do business, somebody will file a PIL and say, you gave money in election, so you have got a contract. तो उनको लगता है कि अगर हम ईमानदारी से देते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं तो कोई कठिनाइयां तो नहीं पैदा कर लेंगे. अब क्लीन मनी भी आ जाए और जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए. तो इसलिए ये दोनों तरीकों से एक हम लोगों ने सुझाव इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रखा है. और जो कल्पना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है, जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी, खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा, केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा. तो पार्टी के हाथ में भी क्लीन पैसा आएगा, देने वाला भी क्लीन पैसा देगा. किसने कितने का खरीदा है ये तो बैंक में पता होगा लेकिन उसने किस किस को कितना दिया है ये केवल उसको पता होगा. और ये जो आनंद जी अभी समस्या बता रहे थे इसमें आपको भी लाभ होगा, जो विपक्ष में है उसको लाभ होगा. और इसलिए सरकार में रहकर ऐसा कानून बनाना कि जिसमें विपक्ष को भी मिलता रहे इसके लिए बड़ा दिल चाहिए. तो मैं चाहूंगा कि इसकी जो स्कीम बनाएंगे हम लोग इनका इनकम टैक्स एक्ट के तहत,
स्कीम में, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का इसमें अपना अपना अनुभव है, तो अपने सुझाव हम लोगों को भेज दें, मिलकर भी बतला दें, ताकि इसकी स्कीम ऐसी बन जाए जिसमें क्लीन फंडिंग की गुंजाइश देश के अंदर बढ़ जाए। और ये मुझे लगता है कि अगर हम लागू कर पाते हैं तो क्लीन पॉलिटिकल फंडिंग के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ सकता है। कृषि के संबंध में मैंने ऑलरेडी अभी बतलाया कि कृषि में भी हमने साधन बढ़ाए हैं, रूरल डेवलपमेंट में भी बढ़ाए हैं, मनरेगा को भी बढ़ाया, क्योंकि जब फसल में कमजोरी रहती है तो इसलिए जो लेबर है उसको अन्य तरीकों से पैसा मिलते रहना चाहिए। और एक बहुत एम्बिशियस कार्यक्रम हम लोगों का सरकार का है कि जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक साधन जाएं, इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से, रूरल रोड्स के माध्यम से, इरिगेशन के माध्यम से, रूरल हाउसिंग के माध्यम से, कि जिसमें एनिमल हस्बेंड्री की उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आमदनी और आय बढ़ पाए। बार बार एनपीएस का जिक्र आता है, एनपीए को की समस्या को हम सरल तरीके से अर्थ समझ लें। ये एनपीएस कोई हजारों लाखों कंपनियों के साथ जुड़े हुए विषय समस्या ऐसा नहीं है, ये 20 या 30 बड़े अकाउंट्स के साथ जुड़ा हुआ विषय है। और ये बड़े अकाउंट्स कोई इस सरकार के कार्यकाल में क्रिएट नहीं हुए, पहले के हैं। बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है, पेमेंट आप वापस करोगे नहीं और ब्याज बढ़ता जाएगा, तो इसलिए वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़े उसका हम लोग कारण भी समझ लें। बैंक उद्योग और व्यवसाय को लोन दे, ये अपने आप में अच्छी बात है, उसी के आधार पर तो बिजनेस चलेगा, अर्थव्यवस्था चलेगी। लेकिन कुछ क्षेत्रों को एक स्वाभाविक रूप से कठिनाई आई, और जो क्षेत्र थे, और हर क्षेत्र की अपनी सेक्टोरल प्रॉब्लम थी, सबसे अधिक हुए स्टील के क्षेत्र में। स्टील की कंपनियां बढ़ गई, कोयले की खाने आपने बहुत सारी लोगों को दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। दूसरी तरफ चाइना की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, चाइना ने सस्ता स्टील पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दिया, और केवल भारत में नहीं पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह ये चुनौती आई। अमेरिका ने 286% एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज स्टील पे लगा दी। ब्रिटेन क्योंकि ईयू का हिस्सा था और ईयू ने कार्रवाई नहीं की, तो वहां जो स्टील प्लांट थे उसकी स्थिति हमें मालूम है। हम लोगों ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की, MIP मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी लगाया, थोड़ा ड्यूटीज भी बढ़ाई, और इंडियन स्टील कंपनीज, इन सब कंपनीज, इस सब कदमों से धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन के अंदर अब आ गई है। दूसरी समस्या टेक्सटाइल्स की थी, जिसमें हम लोगों ने पूरा एक लंबा पैकेज अनाउंस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को PSUs और सरकारी ऑर्डर्स और राज्य सरकारों से ज्यादा पैसा लेना है, वो आर्बिट्रेशंस और हाईकोर्ट्स में पेंडिंग है, और वो आगे बैंक को नहीं दे रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से हम लोगों ने तय किया कि जो अवार्ड आर्बिट्रेशन जीत गया उसको 75% दो, और फिर अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो लड़ते रहो, ताकि अर्थव्यवस्था का कम से कम तकलीफ ना हो, और वो प्रक्रिया अब लागू करनी शुरू की है। बिजली के क्षेत्र में प्राइवेट प्लांट्स भी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स भी, और इसमें बड़ा हिस्सा स्टेट्स का था, तो उदय स्कीम पूरी लाए इसको हल करने के लिए। और धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सेक्टर्स को हम लोग एड्रेस करें, ताकि इन सेक्टर्स को एड्रेस करेंगे तो उस इंडस्ट्री को वापस अपने पांव पे खड़ा कर पाएंगे कि वो ऋण दे पाए वापस। केवल पूरा सेक्टर बैठ जाए, बैंक का पैसा डूब जाए, ये अपने आप में सही उसका रास्ता नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरा इसका प्रयास किया है। बैंकों को कैपिटल की जरूरत है, कुछ हम लोगों ने दिया है, आवश्यक होगा तो और हम लोग देने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब कदमों को जो सरकार ने 3 साल से उठाए हैं, और कई इनिशिएटिव्स पहले से भी चलते आ रहे हैं, जो भारत की एक प्राथमिकता बनी है विश्व की अर्थव्यवस्था में,
वो आने वाले वर्षों में उसको और मजबूत करने में हम लोग सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन से बजट का समर्थन करने का